गाइस, अगर आपकी भी मोबाइल की टच कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली वर्क करती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टच है वो ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर आपको भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हो। देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, अभी देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम कम हो गई है। तो ऐसे में अगर आपकी टच वर्क नहीं कर रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि हम जो भी टेम्पर लगवाते हैं वो एक सही तरीके से नहीं लग पाता है, जिस वजह से भी हमारी जो टच है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो क्या करते हैं कि हमारा जो ग्लास है उसके अंदर गैस होती है, डस्ट होती है, जिस वजह से जो है स्क्रीन सही से वर्क नहीं करती। अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्लास है वो डैमेज है तो आप उसे नया डलवा सकते हैं। अगर आपका ग्लास बिल्कुल ठीक है तो आपको क्या करना है, आपको ना अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। इसके लिए आपको अपनी मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करना है और रिबूट पर क्लिक कर देना है। अगर आपके फ़ोन में रीस्टार्ट आता है तो आपको रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना है। तो मेरा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है। इसके बाद आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हुई है या नहीं। इसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है शायद ही है जो है फिक्स हो। तो आपको क्या करना है, आपको ये और चेक करना है कि आपके मोबाइल पे कहीं डस्ट तो नहीं लगी हुई है या फिर कोई ऑयल तो नहीं लगा हुआ है, तो जिस वजह से भी आपकी जो टच है वो वर्क नहीं करेगी। तो आपको ना आपको अपनी स्क्रीन को जो है क्लीन कर लेना है किसी कपड़े से। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ऐसे में आपकी टच जो है वो वर्क नहीं करेगी, कम वर्क करेगी, तो आपको कैसे भी करके आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको करना होगा। और कई लोगों को ना प्रॉब्लम तब देखने को मिलती है जब वो अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं चार्जिंग टाइम, तब वो जो है टच जो है ऑटोमेटिकली वर्क करती है। तो ऐसे में ना आपका जो चार्जर है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से जो है आपकी टच वर्क नहीं कर रही है। तो आप अपने ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करें, अगर आप लोकल चार्जर का यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें हैं। तो यहाँ पे ना इसका जो, अगर आपकी टच वर्क नहीं कर रही है तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। तो इसके लिए ना आपको क्या करना है, अगर आपकी टच वर्क कर रही है तो आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अगर आप सेटिंग में नहीं जा पा रहे हैं, आपकी टच बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, नीचे जाना, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फैक्ट्री रीसेट, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। रीसेट करने से पहले आपको अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप बना लेना है, लाइक कॉन्टैक्ट्स, फोटोज़, वीडियोज़, और उनका आपको बैकअप बना लेना क्योंकि डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इरेज़ ऑल डेटा पे क्लिक करना है, आपको लॉक डाल देना, आगे जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो आपको कर देना है। उसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा। सिंपल स्टेप आपको करते जाना है, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। पर अगर आपकी जो टच है वर्क नहीं कर रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना होगा, स्विच ऑफ करना है आपको, और स्विच ऑफ हो जाने देना है। उसके बाद आप पावर बटन और वॉल्यूम बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप ये करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये देखने को मिलता है, आपको यहाँ पे छोड़ देनी है बटन। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना आपकी जो टच है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो अगर आपको ऊपर नीचे लेके जाना है तो आपको वॉल्यूम अप से आपका ऊपर जाएगा, वॉल्यूम डाउन से नीचे जाएगा। नीचे आप लेके आ सकते हैं किसी भी ऑप्शन पे। अगर आपको ऊपर करना है तो आपको वॉल्यूम अप बटन दबानी होगी, और अगर आपको किसी को ओके करना है तो आपको पावर बटन को प्रेस करना होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप रिबूट नहीं, आपको यहाँ पर वाइप डेटा पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पावर बटन को दबाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे लाना है वाइप ऑल डेटा और आपको पावर बटन दबा देना है, जिसके बाद आपका जो वाइप डेटा हो जाएगा उसके बाद आपको इसे रिबूट कर देना है, जिसके बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट हो जाएगा। तो अभी मैं इसे डिलीट नहीं, इसे मतलब रीसेट नहीं करना चाहता हूँ, आपको इसे कर देना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ, तो आपको ये कर देना है। और जैसे आप वाइप डेटा कर देंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको रिबूट पे क्लिक कर देना है और सिस्टम रिबूट पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपका जो फ़ोन है वो फिर से ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को सेटअप कर लेना है, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। गाइस, अगर आपकी जो प्रॉब्लम इसके बाद भी फिक्स नहीं होती है तो इसका मतलब है हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आपकी टच अंदर से ख़राब है। तो इसके लिए आपको सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ेगा, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये कुछ सॉल्यूशन है जो कि आपको ज़रूर हेल्प करेंगे।
और यहाँ पे ना मैंने आपको जो कुछ भी ट्रिक बताई है उससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा ही बड़ी होगी तो आपको सर्विस सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा।